अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। ईद हम लोग मनाने आए थे आज बाहर, चाइनीज अगर हमने खाया और इन्जॉय किया। आप सबने इन्जॉय किया? बड़े अच्छे वाले दिन। अभी सूखी है, बस सूखी है। अभी हम खाने का वेट कर रहे हैं और सब इन्जॉय करें। खाना आपको दिखाते हैं, खाना कैसा है और रिव्यूज़ भी देखते हैं। और जी सूप हम लोग पी चुके हैं। अब ये डायनामाइट चिकन है जो हम खा रहे हैं, इसको हम ट्राई करते हैं क्योंकि तो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी है। बाहर की कोटिंग बहुत क्रंची है और अच्छा है, इट्स नाइस। मतलब कोटिंग सख्त नहीं है लेकिन क्रिस्पी बहुत है। कैसा लगा? ट्राई करते हैं मंचूरियन खाते हैं। और जी हम लोगों ने खाना खा लिया, खाना मज़े का था लेकिन बहुत मज़े का था, का ज़्यादा अच्छा का ज़्यादा मज़े का होता था। और खाने में हमने मंचूरियन खाया, वो स्पाइसी था, साथ में चाउमिन था वो भी ठीक था, उसमें वेजीज नहीं थी। और क्या था, हमारा बीफ चिली थोड़ा चुई था, वरना नॉर्मली बीफ चिली होता है, सूप सबसे बेस्ट था और अच्छा है ओवरऑल खाना। लेकिन हमें कोकोचन का चाहिए ज़्यादा पसंद आ रहा है, कोकोचन का टेस्टी लगता है, कोकोचन का टेस्टी लगता है। अपना बहुत डेज है, ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें रखिएगा यार। ओके, स्पेशल चाहत पान, चॉकलेट पान, स्पेशल मिलन पान, पाउंटी पान, राजा साहब पान, मिलन पान, इंडियन चटनी पान, ड्राई फ्रूट पान, विच पान डू यू वांट? वी हैव इट राइट नाउ। मैंने गेस करें कौन सा लिया। मैंने लिया रानी साहब पान जो कि कोकोनट वाला होता है, खुल ही नहीं रहा। एक तो एक ही हाथ से कंटेंट बनाना बहुत मुश्किल बात है, एंड आई लव कोकोनट पान। ये गुलकंद भी है इसमें, पता नहीं असली गुलाबों से बनी हुई गुलकंद है या नहीं, कहते तो यही है असली गुलाब से बनती है। पर आई लव पान, आई लव मीठा पान।